हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक सर्किट फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी नंबर। तो सब्ट्रैक्टर क्या करता है कि जो तो बाइनरी नंबर होता है उनके बीच में डिफरेंस निकालता है। तो उसको समझने से पहले क्या कुछ अपन रूल देखते हैं। अगर माने जीरो में से जीरो कटाऊंगा तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा डिफरेंस। तो वन माइनस जीरो करूँगा तो डिफरेंस तो कितना आएगा? वन। ऐसे ही वन माइनस वन करूँगा तो डिफरेंस जीरो, और जीरो माइनस वन करूँगा तो ये जो वाला केस है जो तीनों से अलग है। जीरो में से वन तो घट नहीं सकता, तो क्या करेंगे? तो इसका जो डिफरेंस तो आएगा कितना आएगा? वन। लेकिन बोरो क्या आएगी? वन। तो देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल। वन वन जीरो वन, इसमें से घटाना मेरे को जीरो वन वन वन, तो क्या होगा? माइनस। तो ये वन में से अगर वन गया तो क्या होगा? जीरो। ऐसे इसमें से ये घटाना है मेरे को वन, तो घटेगा नहीं। लेकिन क्या होगा? ये इस पे सब बोरो लेगा तो कितना है? ये कितना हो जाएगा? टू। जीरो वन जीरो को डेसिमल में क्या ले सकते हैं? टू। तो ये टू है, टू में से वन जाएगा तो कितना बचेगा? वन। तो ये बोरो इसने इस पे से ली थी तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये वन में जीरो में से फिर वन घटाना है तो पहले वाला केस हो गया, तो ये जीरो में से वन तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? इस पे से वो देगा तो ये कितना जाएगा? वन जीरो। तो इसकी क्या कर सकता हूँ डेसिमल में? टू। तो टू में से वन जाएगा तो कितना हो जाएगा? वन। भैया कितना जाएगा? जीरो। फिर जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा? जीरो। तो ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो सब्ट्रैक्टर कितने होते हैं? तो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। ऐसे हाफ एडर था पिछली क्लास में देखा था, तो उसमें कितने इनपुट होते थे? दो। आउटपुट भी दो होते थे। ऐसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर में इनपुट कितने? दो। आउटपुट भी दो। तो ए बी इनपुट है, आउटपुट है, डिफरेंस को डी से डिनोट किया, बोरो को बी आउट से। इसकी देखते अपन ट्रुथ टेबल। इनपुट क्या है? ए बी। कितने इनपुट है? दो। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने हो गए? चार। टू की पावर जितने इनपुट है उससे निकालते हैं, तो यहाँ दो इनपुट है तो टू की पावर टू कितना हो जाएगा? फोर। तो कॉम्बिनेशन में इतना आएगा। अब डिफरेंस क्या आएगा? ए माइनस बी करना है तो जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा? जीरो। बी आउट भी जीरो। जीरो में से वन घटाना तो क्या? डिफरेंस तो वन आएगा, बोरो भी वन। वन माइनस जीरो डिफरेंस वन, जीरो। वन माइनस वन जीरो, जीरो। अब मेरा जो डिफरेंस है उसको किसकी टर्म में लिखना है? ए और बी की में। तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे ये देखना है जो डिफरेंस है वो वन कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ दो केस है तो यहाँ पे क्या है? तो इसको ले सकता हूँ मैं, एक तो ए बार बी, और सेकंड वाला केस है यहाँ पे ए की वैल्यू वन है बी की जीरो, तो क्या लगता है? प्लस ए बी बार। तो एक किसका आउटपुट होता है? एक्स और गेट का। ऐसे मेरी बी आउट उसको किसकी टर्म में लिखना है? इनपुट की में। तो बी आउटपुट वन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये कौन सा केस है? ये वाला। तो क्या लगता है उसको? ए बार डॉट बी। अब इसको बनाना लॉजिक सर्किट आएगा। ये डिफरेंस तो किसका आउटपुट है? एक्सोल का। तो एक एक्सोल गेट है उसका इनपुट है ये बी, तो आउटपुट क्या जाएगा? डिफरेंस। वह क्या आएगा? ये। ऐसे ही मेरा बी आउटपुट वो क्या है? एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट। एंड गेट है उसका इनपुट है ए बार और बी, तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार डॉट बी। तो यहाँ से बी यहाँ से लिया ए यहाँ से, और उसको नॉट गेट से ए बार आ जाएगा। तो ये मैं क्या हुआ? हाफ सब्ट्रैक्टर। अब अपन देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। ऐसे फुल एडर था उसमें कितने इनपुट थे? तीन। कौन कौन से? ए बी, और वहाँ पर क्या था? सी इन कैरी इन, यहाँ पर क्या है? बी इन। आउटपुट क्या है? डिफरेंस और बी आउट। कितने इनपुट है? तीन। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आठ, टू के पावर थ्री से, तो कितने? आठ कॉम्बिनेशन। आउटपुट दो आएंगे डिफरेंस और बी आउट। इसमें कैसे करना है? पहले मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी, जो रिजल्टेंट आया उसमें से माइनस करना किसको? बी इनको। तो पहले करना है ए और बी को, ए में से बी को माइनस, तो क्या करना? जीरो माइनस जीरो तो क्या आएगा? जीरो। फिर इसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो। उसको सब्ट्रैक्ट किया इससे जीरो से, तो क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही सब का करना है। तो लास्ट बार केस देखते हैं, ए माइनस बी करना पहले, तो ए तो वन माइनस वन तो कितना हो जाएगा? जीरो। अब जीरो आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? बी इनको, तो बी इनकी वैल्यू कितनी है? वन। तो जीरो माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस वन होगा, बोरो भी वन। ये वाला केस। तो
अब मेरे को ऐसे वहाँ पे क्या, अब क्या करना है मेरे को, जो डी डिफरेंस है उसको इनपुट की टर्म में लिखना है। तो मेरे को देखना है डी वन कहाँ कहाँ पे है, चार जगह। तो क्या लिखता हूँ, इस वाले को पहले वाला वन है उसको क्या है, ए और बी की वैल्यू तो क्या है 0 और बी इन की 1। तो क्या लिखता हूँ, ए बार बी बार बी इन। दूसरा वन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 1 है लेकिन दोनों क्या है फिर 0। तो क्या लिखता हूँ उसको, ए बार बी वी इन। ऐसे लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे 3 एक भी लिखे है 1 1। तो क्या लिखता हूँ, ए बी बी। अब क्या कहना है, जो स्टार्टिंग की दो टर्म है उसमें से ए बार कॉमन लिया, तो बचा क्या है, ये दोनों, ये प्लस जो लास्ट के दो टर्म है उसमें से मैंने ए कॉमन लिया, तो क्या बचा, ये किसका आउटपुट होता है, एक्स और गेट का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये आउटपुट है एक्स नॉर गेट का, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो ये है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बार इसकी जगह एक्स रख दिया प्लस ये ए था, तो ये क्या है, इसको मैंने एक्स माना है, तो क्या हो जाएगा एक्स बार। अब ये किसका आउटपुट है, एक्स और का, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक्स क्या माना था, ये, तो एक्स की वैल्यू पुट की तो डिफरेंस ये आ जाएगा। इसको मैं के मैप से भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे को ना के मैप फॉर बोरो, ऐसे ही जो बी आउट है उसको किसकी टर्म में लिखना है, इनपुट की में। तो क्या करना है, कितने इनपुट है, 3, तो कितने कॉमन्स बनेंगे, कितने सेल बनेंगे इसमें, 8। तो ए को मैंने यहाँ लिया, तो क्या होगा इसका कॉम्बिनेशन, इसके दो पॉसिबल वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे लिया मैंने बी और बी इनको, तो क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0। जो एज पास वाली सेल होती है उनमें 1 बिट का डिफरेंस होता है। अब मेरे को देखना है वन कहाँ कहाँ पे, बी आउट पहला कहाँ पे बने, यहाँ पे हाँ, ए और बी की वैल्यू क्या है 0 और बी इनकी 1। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 0 ये रही, बी की यहाँ पे क्या है, बी और बी इन क्या है, बी तो 0 बी इन 1, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये तो 0 यहाँ पे ही, ये तो यहाँ पे आएगा 1। लास्ट वाला देखते हैं, ये तो एक तीनों की वैल्यू क्या है 1, तो कहाँ होगा ये दोनों की वैल्यू, तो 1 यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, तो इधर से कहाँ मिलेगा ये, यहाँ। ऐसे इसके लिए देखते हैं, सेकंड वाला 1 देखते हैं, तो क्या है ए की वैल्यू क्या है 0, तो ए तो इस लाइन में रहेगा, बी और बी इनकी वैल्यू क्या है 1 0, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला, तो 1 कहाँ से आएगा, यहाँ, क्योंकि ए की वैल्यू 0 इसमें होगी और बी बी इन जी कहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ, तो बन जाएगा ये। अब मेरे को करना है ग्रुपिंग, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल हो ग्रुपिंग, दो 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 की बन की एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुपिंग ये हो गई और एक ग्रुपिंग ये हो गई। सबसे बनाते हैं हाइट पर, हाइस्ट ग्रुपिंग करते हैं पहले, या अगर 8 1 है तो उसकी ग्रुपिंग करते हैं, ऐसे 4 1 है तो उनकी पहले करते हैं। तो यहाँ पर कितना, 2 1 एक साथ ही हो सकते हैं, तो ऐसे ग्रुपिंग कभी 3 5 1 की ग्रुपिंग नहीं होगी। तो क्या है, इसको मैं, ये पहला ये ग्रुप है, इसमें क्या करना है, इसके लिए मेरे को लिखना है कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, इसमें ए तो ये 0 कॉमन है, ए की वैल्यू क्या है इसके, इसमें 0, तो ये कॉमन है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, बी और बी इन में, बी इन तो सेम है, तो क्या हो जाएगा ए बार बी इन, क्योंकि 0 ए की वैल्यू क्या है 0, तो क्या लिखना पड़ेगा ए बार। अब मेरे को लिखना है ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप में क्या है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन कॉमन क्या है, बी बी इन, तो क्या हो जाएगा बी बी इन। अब इस वाले ग्रुप के लिए देखते हैं, इसमें ए कॉमन है, ए की वैल्यू कौन सी कॉमन है 0, और बी बी में कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे बी तो सेम है, ये 1 है 1, बी इनकी वैल्यू चेंज होती है, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, ए बार डॉट बी। अब इसको बनाना मेरे को लॉजिक सर्किट आएगा, तो डिफरेंस वो तो क्या है, एक्स और का आउटपुट, तो एक एक्स और लिया उसका जिसके इनपुट 3 है, ए ए यहाँ से दिया, बी यहाँ से और बी इन, तो इसका आउटपुट ये आएगा एक्स और गेट का, तो ये क्या जाएगा मेरा डिफरेंस। ऐसे मेरे वी आउट के लिए बनाना है, तो बी आउट में दिए तो किसका आउटपुट आते हैं, एंड गेट से मल्टीप्लाई करके जाएंगे और उनको मेरे को क्या करना है एड, तो क्या है और गेट यूज दूंगा, एक एंड गेट है उसके इनपुट है बी इन, तो मैंने यहाँ से दे दी इस लाइन से, और ए बार कहाँ से आएगा, ए बार ए यहाँ से लिया मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो ए बार आ जाएगा, तो
तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार डॉट बी इन। अब दूसरा ये है, तो भी क्या बी बी इन, तो यहाँ से दिया बी इन तो यहाँ से आ गया और बी यहाँ से, तो आउटपुट ये आ गया। ऐसे इस वाले के लिए क्या करेंगे, बी यहाँ से और ए यहाँ से, तो नॉट लगा दिया तो क्या जाएगा ए बार, तो तीनों का आउटपुट उसको किसको दे दिया मैंने और गेट को, तो क्या जाएगा मेरा बी